सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों का दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाएं देने और इसके लिए योजनाएं तैयार करने का निर्देश दिया था। इन्हीं योजनाओं के लिए मंगलवार को विधानसभा में पेश अनुपूरक बजट में धन की व्यवस्था की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा जोर भगवान राम की नगरी अयोध्या पर है। यूपी के यशस्वी सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की कायापलट करने को अपनी प्राथमिकता में शुमार किया है। बीते करीब ढाई साल में इन धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक भी बनाया गया है। प्रयागराज में हुए कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के अलावा पीएम नरेंद्र मोदी तक ने सुविधाओं के लिए सीएम योगी जी की तारीफ के पुल बांधे थे। अब इस साल के अपने पहले अनुपूरक बजट में योगी जी की सरकार अन्य धार्मिक स्थलों के उद्धार के लिए कटिबद्ध दिख रही है। अनुपूरक बजट के मुताबिक अयोध्या में सरयू के घाटों को हरिद्वार की हर की पैड़ी जैसा बनाया जाएगा। नया घाट में सरयू नदी के तट को सवारने की तैयारी है। इसके लिए अनुपूरक बजट में 10 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अलावा अयोध्या में दिवाली के मौके पर दीपोत्सव के लिए 6 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अयोध्या के चहुमुखी विकास के लिए कुल 101 करोड़ रुपए अनुपूरक बजट में आवंटित किए गए हैं। वहीं विंध्यवासिनी धाम के विकास के लिए 10 करोड़ का आवंटन अनुपूरक बजट में हुआ है, जबकि सीतापुर जिले के प्रसिद्ध तीर्थस्थल नैमिषारण्य के विकास के लिए भी 10 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था अनुपूरक बजट में की गई है। अनुपूरक बजट में धार्मिक स्थलों को सजाने और संवारने के लिए उठाए गए कदमों से इस साल के अंत तक इन सभी जगह श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलने और दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाने में मदद मिलने जा रही है, जिससे देश ही नहीं विदेश से भी लोग इन धार्मिक स्थलों की ओर रुख कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।